Hello my dear students, again you are most welcome in our video session, and today we are just going to discuss about session 9, and here we are just going to discuss about the World Wide Web, means एक internet oriented protocol है जिसे हम World Wide Web कहते हैं. Shortly we pronunciate it as a www, okay. So basically World Wide Web is a protocol which is responsible, or sometimes you can say that it is responsible to connect a particular website, that doesn't matter whatever you are trying to connect, in the wider network. मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम वर्ल्ड वाइड वेब किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं या ब्राउज करते हैं. एक प्रोटोकॉल है जो हमें हेल्प करती है वेब ब्राउजिंग के लिए. ओके, सो हियर इज द डिस्क्रिप्शन. द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वेब वेब इज द वे ऑफ एक्सेसिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट बाई यूजिंग वेब ब्राउजर्स. मतलब वेब ब्राउजर्स के द्वारा, वाट एवर आप गूगल क्रोम की बात कर रहे हैं या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर ब्राउजर पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ले रहे हैं, तो उस ब्राउजर के द्वारा अपने किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को शेयर करना या किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, ये वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स www प्रोटोकॉल का काम होता है. ओके, इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल, जो एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है आपके बुक्स पैरामीटर के अकॉर्डिंग. दैट इज़ बिल्ट ऑन अ टॉप ऑफ द इंटरनेट. ठीक है, जो इंटरनेट के आधार पर चलता है या फिर इंटरनेट पर चलता है, खास करके आप ऐसा बोल सकते हैं. द वेब यूजेस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल्स के यूज़ से हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, खास करके उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज अ फॉर्म ऑफ वेबसाइट हमारे सामने डिस्प्ले करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. खास करके बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है. द वेब ऑल्सो यूटिलाइज ब्राउजर्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स टू एक्सेस वेब डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस, and that are linked to each other via hyperlinks. Conditionally, ये जितनी भी हम नेट एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हम एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड अ वेब ब्राउजर. एंड देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड फीचर ओरिएंटेड वेब ब्राउजर्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट. एंड नाउ डेज वी आर यूजिंग द गूगल क्रोम, इज ऑन द टॉप ऑफ ब्राउजिंग फैसिलिटीज़. सो इस तरीके से हम अलग अलग ब्राउजर्स का यूज़ करते हैं जिसके आधार पे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं. सो बेसिकली ऑल दीज आर द एक जनरल डिस्क्रिप्शंस रिलेटेड विद वर्ल्ड वाइड वेब. सो आपके यहाँ पे मेंशन है प्रॉपरली, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड जस्ट अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली व्हाट इज मेंशन ऑन योर नोटबुक. एग्जैक्टली द वेब रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट इज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट. वेब का मतलब ये है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस का एक मिश्रित रूप जो आप एक्सेस करते हैं इंटरनेट के माध्यम से. एंड द इंफॉर्मेशन इज इन फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, मूवी, वीडियो एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सेस वाया इंटरनेट बाई यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल. तो इंटरनेट की दुनिया में हमें हर एक चीज़ अवेलेबल है. व्हाटएवर आपको एक पिक्चर फाइल चाहिए या टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या मूवी देखनी है या गाने सुनने हैं या गेम खेलना है, व्हाटएवर आप क्या करना चाहते हैं, जिसके आधार पर जो भी करना चाहते हैं, इस वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है. ओके, सो एक यहाँ पर नोट दिया हुआ है, मेनी पीपल यूज़ द टर्म्स द वेब एंड द इंटरनेट सिनोनिमसली, बट दे आर टेक्निकली टू डिफरेंट टर्म्स. मीन्स इंटरनेट के कुछ अपने सिनोनिम्स होते हैं, मीन्स कुछ नियम होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जिसके आधार पर हम आज की डेट में अलग अलग तरीके की एक्सेसिबिलिटी लेते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. द फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट्स ऑफ द वेब. सबसे पहला यहाँ पे कंपोनेंट दिया है वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र मीन्स व्हाट अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग, यू कैन से दैट ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन एक्सेस ऑफ आवर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी और समटाइम वी कैन ब्राउज द वेबसाइट्स, एक्सप्लोर द इंटरनेट डॉक्यूमेंटेशन, वाट एवर वी वॉन्ट टू सी, वी वॉन्ट टू डाउनलोड, वी वॉन्ट टू सेंड, शेयर एंड वट एवर वी वॉन्ट टू डू. जो भी हम करना चाहते हैं वो सब कुछ किसके बिहाफ पे पॉसिबल है, वेब ब्राउज़र के बिहाफ पे. And nowadays people are using a different types of application in our mobile phones
ऑन द सेम वे ऑन द सेम फैसिलिटीज। सो इस तरीके से वेब ब्राउज़र का काम हमारे जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, जो वेब डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो वेब डेटा होते हैं उनको एक्सप्लोर करना अपने सामने एज अ फॉर्म ऑफ वेबसाइट। सो इट इज़ मेन यू नो वर्क एंड मेन टास्क एंड मेन पर्पज ऑफ द वेब ब्राउज़र। सो नाउडेज़ पीपल आर यूजिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउज़र्स आर देयर एंड सम ब्राउज़र्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद द Windows operating system is called Internet Explorer and Windows 7 available. Windows 7 में भी आज तक जितने भी Windows operating system हुए हैं उसमें Internet Explorer जो है एक तरीके से web browser integrated रहा है। So इस तरीके से हम यहाँ पे आज की डेट में external browsers का भी हम use करते हैं like Google Chrome and Maxthon and Opera Mini and there are many more colorful web browsers already available in the market and according to different features sometimes these browsers are security oriented and there are many more already internal features are there jo aage badhenge aap to usme aapko ek ek cheeze samajh mein aayenge। So what is next, our next topic is website। What is website? Website aapke syllabus parametric according a web page। So our next topic is web page, okay। The web page is formatted text document on the web and that a web browser can display। Web page का मतलब है कि जो भी information है एक formatted information से, जैसे suppose that आप कोई website open करते हैं तो उसमें हर एक चीज़ एक जगह properly aligned होती है, pictures अलग locations पे होती है, text informations अलग होती हैं and video informations अलग होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स में ये सारे डॉक्यूमेंटेशन सेपरेट किए जाते हैं और वो जो पूरा एक फॉर्मेट आपके सामने एज अ डिस्प्ले होता है इज कॉल्ड अ वेब पेज। ओके, मोस्ट वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट अलाउ यू टू क्विक मूव अंदर वेब पेजेस, क्योंकि एक छोटे छोटे वहाँ पे लिंक्स बने होते हैं, टैब्स बने होते हैं, आप सिंपल क्लिक करके अलग एक वेब पेज पे जा सकते हैं ईजिली। And you can do by clicking the hyperlink, बहुत सारे links वहाँ दिए होते हैं, उस link पर click करके आप retrieve होकर दूसरे particular web page पर चले जाएंगे जहाँ का वो link होगा। Commonly called a link, उन्हें link कहते हैं, मतलब एक छोटे छोटे color oriented या इसे hyperlink बोल सकते हैं दिए होते हैं, जिसके यहाँ पर आप click करके किसी दूसरे link पर किसी दूसरे web page पर easily move on हो सकते हैं। Clicking a link open the new web pages in your web browser। जैसे उन लिंक्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक नया वेब पेज ओपन हो जाता है जो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को शो करता है जिससे संबंधित वो लिंक होता है। यू कैन एक्सेस एग्जिस्टिंग वेब पेज और इवन क्रिएट अ पब्लिश न्यू वेब पेज ऑन द वेब। आप जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं या फिर अपने आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो आप अपने नए पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से पेजेस बनाना आगे चल के सब कुछ हम आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे और ख़ास करके जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हम वेबसाइट्स या वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए उसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। खास करके यू कैन क्रिएट अ वेब पेज, जो एक लैंग्वेज होती है या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है जिसको हम HTML बोलते हैं, जिसमें हम अपने वेब पेजेस या वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं। अब आज की डेट में थोड़ा एडवांस लेवल के हम अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे हैं जो और भी एडवांस है, HTML से भी एडवांस है। तो तमाम तरीके के अलग अलग एक्सपीरियंस आपको होंगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। सो आवर थर्ड टॉपिक इज़ वेबसाइट्स। अ वेबसाइट इज़ अ वन और मोर वेब पेजेस, मतलब वेबसाइट मीन्स कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस, समटाइम यू कैन से दैट अ वेबसाइट्स जो किसी पर्टिकुलर एक सिंगल सर्वर पे प्रॉपरली सेटअप किया जाता है। दिस सर्वर इज़ नोन एज वेब सर्वर, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर जिसके ऊपर आपके ये सारी वेब्स इंफॉर्मेशंस कंटेंस की जाती हैं, समटाइम यू कैन से दैट अ वेब सर्वर। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशंस एक यू नो वेब पेजेस के फॉर्म में हमारे सामने अपीयर होती हैं वो उसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ यूज कलरफुल ऑफ पेजेस आर देयर, समटाइम इज कॉल्ड अ वेबसाइट। ओके, द फर्स्ट वेब पेज दैट इज यू नो डिस्प्लेड एक्सेस वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। जो वेबसाइट का आपके पूरे वेबसाइट का जो पहला पेज होता है जो ओपन करते के साथ ही आपके सामने डिस्प्ले होता है उसे हम बोलते हैं वेब पेज। फ्रंट पेज इज व्हाट? वेब पेज। तो जैसे हम आपको एक्सपीरियंस कराते हैं सिंपली मैं यहाँ पे
इंटरनेट ओपन करने चल रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख भी लेंगे कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे अपने यू नो मोबाइल फ़ोन से अपने हॉटस्पॉट को कनेक्ट किया, वाईफाई को अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया। देन आफ्टर मैं यहाँ पे एक अपना ब्राउज़र है जो मैं खास करके गूगल क्रोम का यूज़ करता हूँ। ये हमारा गूगल क्रोम ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे हम अपने स्कूल के वेबसाइट्स को ओपन करेंगे। सो दैट इज़ द kpps.in। जैसे जैसा हम इसको ओपन करते हैं, सॉरी ये हमारा URL गलत हो गया, बट रही बात की ये हमारा एक वेब पेज ओपन हो गया। सो जो कुछ भी आपके फ्रंट पे डिस्प्ले होगा वो आपका क्या कहा जाएगा, वेबसाइट kpschool.in, अपनी जो वेबसाइट है। सो दैट इज़ द kpschool.in। सो हियर इज़ आवर वेबसाइट। जो कुछ भी आपके फ्रंट पे यहाँ पे अपीयर हो रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड अ होम पेज। जो वेबसाइट ओपन करते के साथ ही आपका स्कूल यहाँ पे देख रहे हैं, आपके स्कूल के जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, प्रेयर या रेसेस वट एवर पिक्चर्स यहाँ दिख रही हैं आपको। तो कंडीशनली ये क्या है, ये होम पेज है। होम पेज मीन्स जो फर्स्ट एक्सप्लोर होके आपके सामने एज अ डिस्प्ले होता है वेबसाइट के फॉर्म में, इट इज़ कॉल्ड अ होम पेज। वापस हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। सो आपने देखा भी वेबसाइट कैसे ब्राउज होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड मेथड और सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स। प्रोटोकॉल्स मीन्स वॉट, प्रोटोकॉल्स मीन्स अ रूल्स एंड रेगुलेशन। समटाइम यू कैन से दैट प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्विस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्मेंस देने वाले उसके लिए जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सो इट इज़ कॉल्ड अ प्रोटोकॉल इन बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज के डेट में आपको पता है कि बिना रूल्स रेगुलेशंस के आप अपने सामान्य जीवन में या फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड किसी लाइफ पैरामीटर पे आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, जो नियम जिसके आधार पर हमारे काम होते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रूल्स फॉलो करते हैं, सो समटाइम यू कैन से दैट ऑल दीज रूल्स इज नोन एज प्रोटोकॉल। बट प्रोटोकॉल हर जगह यूज़ नहीं होता क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, तो खास करके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो अगेन वॉट, protocol is a set of rules for all kind of service basically in information technology, that doesn't matter you are sharing, transferring, receiving and whatever you are doing, that doesn't matter. basically protocol is a rules and regulations which is help to you guys to do your job, to do your you know work and whatever. okay, so overview of web addresses. yahan pe web addresses ke bare mein hum janne ki koshish karenge. So every website on the website is store a computer that part of a you know vast network. to access the website you need to access the computer which is website is stored. okay, just every house and unique addresses. so particularly yahan pe kya bataya ja raha hai, web address. web address ka matlab jaise generally aapke ghar ka address hota hai, jab tak wo ghar ka address proper nahi hai, there is nobody can you know reach at your home. okay, आपके घर तक तो कोई नहीं पहुंच सकता जब तक उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं पता हो। ऐसे ही आपके इंटरनेट की दुनिया में भी जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। लकली हम जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जनरली वी नोज दैट www.google.com। तो जब www.google.com मीन्स एक पर्टिकुलर एड्रेस, यू नो दिस इज़ कॉल्ड एड्रेस। तो कंडीशनली ये हमारी कनेक्टिविटी किस पे बनती है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं या फिर हम उनसे कनेक्ट होते हैं एक प्रोटोकॉल के माध्यम से। उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को प्रोटोकॉल भी बोला जाता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम एड्रेस भी बोलते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अ वॉट, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मीन्स अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस, बिहाव ऑफ दैट वी कैन इस्टेब्लिश अ लॉजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन द कंप्यूटर्स डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स। यदि आप यहाँ से अपने घर से बैठ के मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा आप गूगल को ओपन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक पर्टिकुलर आईपी असाइन है जो इंटरनेट का रिचार्ज करने के बाद आपको मिला है,
और वो google.com पे भी एक आईपी एड्रेस है और आपका आईपी एड्रेस और उस google.com के आईपी एड्रेस से प्रॉपरली कनेक्ट हो जाता है, फिर आपके सामने वो google.com ओपन होके आता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा रोल है खास करके नेटवर्किंग में, इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि बिना इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के, बिना आईपी के एड्रेस के आप कोई भी कनेक्टिविटी नहीं बना सकते। एंड द आईपी एड्रेस इज न्यूमेरिकल एड्रेस, ये खास करके आईपी एड्रेस जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, सो इट इज़ कॉल्ड व्हाट न्यूमेरिकल एड्रेस। यहाँ पे देख रहे हैं आप कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक 192.168.0.1, तो ये एक तरीके से इस फॉर्मेट में हमारा आईपी एड्रेस होता है जनरली। सो यहाँ पे हम आगे और डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, और हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खास करके 65535 मतलब 65535 नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है, और उन 65535 प्रोटोकॉल्स में से ये हमारा आईपी एक प्रोटोकॉल माना जाता है, क्योंकि 65535 नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज इन अ डिफरेंट टास्क पर्पजेज, अलग अलग काम के लिए ये सारे प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन की गई हैं। सो उसमें ये हमारा एक अहम प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट की दुनिया में, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो, यहाँ पे हम कंप्यूटर्स डिवाइसेस और इक्विपमेंट के बीच कनेक्टिविटी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं वाया दिस पर्टिकुलर एड्रेस। ओके, द आईपी एड्रेस इज लिंक द करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम बिकॉज इट इज़। अब देखो कंडीशन क्या होता है, आपका वेबसाइट कैसे ओपन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो वेबसाइट हमारी होती है, जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर सर्वर होता है, इट इज़ कॉल्ड अ डोमेन। जैसे google.com को google.com आप एज अ वेबसाइट बोल सकते हैं, वेब लिंक बोल सकते हैं, वेब एड्रेस बोल सकते हैं, और जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे google.com बना है उसको हम google.com का डोमेन सर्वर बोल सकते हैं। ओके, तो कंडीशन क्या है, जब हम google.com ओपन करते हैं तो हम एक नेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। नेम मतलब ये तो आपको google.com का आईपी एड्रेस कुछ ऐसा बताया जाए, बोलना ये इसके द्वारा आपको, आप यहाँ मेरा माउस पॉइंट फॉलो कर रहे होंगे, ये तो आपसे कहा जाए कि ये हमारा एक एड्रेस है, ये गूगल का एड्रेस है, आप इसको जब ब्राउज़र पे डालेंगे एंटर करेंगे तो आपके सामने गूगल खुल के आएगा। तो कंडीशन है कि यदि किसी को बोला जाए कि न्यूमेरिक चीज़ें बताई जाए तो वो मेमोराइज कम होती है, मतलब एक बार सुन के समझने में डिफ़िकल्टी है, जबकि किसी को बोल दो कि भैया google.com ओपन करो और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ google.com, जबकि वहीं पे हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सुनना समझना मेमोराइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो कंडीसली यहाँ पे हमारी जो मेन कनेक्टिविटी का रिसोर्स है वो हमारा आईपी एड्रेस है, बट जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, google.com, yahoo.com, redditmail.com, facebook.com, whatever, इस तरीके से हम कुछ यू नो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं वेब लिंक। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि URL आपको उनको URL भी बोल सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में खास करके हमारा जो डोमेन लिंक होता है या जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक होता है और हमारा जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, उसके बीच में एक हमारा सर्वर और काम करता है जिसे बोलते हैं DNS सर्वर। और वो DNS सर्वर क्या करता है, DNS डोमेन नेमिंग सिस्टम और सर्विस, वो DNS सर्वर रिजॉल्व कर देता है हमारे URL को या फिर हमारे वेबसाइट के एड्रेस को आईपी एड्रेस में, और फिर जाके हमारी कनेक्टिविटी बनती है उस वेबसाइट पे, तब जाके हमारे सामने वो पूरा का पूरा वेबसाइट ओपन होके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, अ वेबसाइट फॉर अ डोमेन इज एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस इज नोन एज वेब एड्रेस। कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट आप वेब एड्रेस के द्वारा खोलते हैं, जैसे google.com एंटर गूगल खुल जाएगा, yahoo.com एंटर याहू खुल जाएगा, तो वो एक पूरा एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपके प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग वेब नेम ये सब कुछ आपके वेबसाइट में मैंशन होता है। वेब एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज यूनिक यू नो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सो समटाइम इट इज़ कॉल्ड अ URL, आप जिसे बोलते हैं वेबसाइट का URL बता दीजिए, या URL क्या होता है, तो वही जो पर्टिकुलर वेबसाइट का जो एड्रेस होता है किसी, जैसे google.com, एक google.com मतलब www.google.com, इस पूरे के पूरे नाम को, पूरे पूरे नेम को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, समटाइम इट इज़ कॉल्ड अ URL, शॉर्टली URL, which specifies the protocol to be used
and the exact location of the website. A protocol is a standard method of transferring data between different computers. मतलब इस पर्टिकुलर URL का काम है कि दोनों जो भी कनेक्टेड और जो भी रिसोर्स जो भी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कंप्यूटर होता है उनके बीच में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिशमेंट का काम करता है. इन द एग्जांपल उदाहरण में दिया हुआ है HTTP /// www.ugc.ac.in /page/manual-report/aspects. ये एक पूरा का पूरा वेब एड्रेस है. इसको मैं आपको एक्सपीरियंस करवाता हूँ, आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, आप एक्सपीरियंस करें अपने प्रैक्टिकल पे. हमने यहाँ पर ओपन किया तो आप देख रहे हैं KPPS, सॉरी आप यहाँ देख लीजिए HTTP. ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा URL है, इसको बोलते हैं URL. आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड वॉट URL, ठीक है. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें सबसे पहला हमारा प्रोटोकॉल इंक्लूड है, इट इज़ कॉल्ड HTTPS क्योंकि ये सिक्योर वेबसाइट है. HTTP नहीं, HTTPS में ब्राउज हो रही है, सिक्योर वेबसाइट है. और :// एंड www वर्ल्ड वाइड वेब जुड़ा होता है क्योंकि कोई भी वेबसाइट वाइड एरिया नेटवर्क में परफॉर्म कर रही है और उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो www होना कंपलसरी है. एंड .your वेबसाइट नेम लाइक KP स्कूल एंड .in. .in मतलब ये वेबसाइट किससे संबंधित है, जो भी जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस विभाग से संबंधित है वो यहाँ पे आता है. .in मीन्स इन्फॉर्मेशन, खास करके ये जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस की साइट्स बनती है वो ऑलमोस्ट इन में बनती हैं, कभी कभी EDU में बनती हैं, एजुकेशन में .edu भी लगता है. बट बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं या फिर गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम जो होता है उसमें EDU का यूज़ होता है. सो आपने आई होप समझ लिया कि क्या होता है URL, ठीक है. फिर दोबारा हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं. हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, ये आपका URL डिस्क्रिप्शन है. नीचे चलते हैं, नीचे क्या है, कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं जैसे मैंने अभी आपको जिस बताया HTTP :// मतलब इंडिकेट्स द प्रोटोकॉल टू बी यूज टू एक्सेस अ फाइल, मतलब ये प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं. सेकेंड वन इज़ www क्या इंडिकेट करता है कि ये वेबसाइट का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है जो अपने वेबसाइट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. UGC आपके पर्टिकुलर डोमेन लाइक KP स्कूल मैंने दिखाया था. एंड AC.in का मतलब ये डोमेन इंडिकेशन करता है कि आप किस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित उसका एक DNS या डोमेन सर्वर होता है जिस पे आपकी वेबसाइट्स जाके स्टोर होती हैं या फिर बनती हैं, ठीक है. एंड ही इज़ द पेजेस मार्कअप एंड वट एवर इंडिकेट्स द पाथ्स एंड डॉक्यूमेंट्स, वो आपके डॉक्यूमेंट कहाँ पड़े हुए हैं वेबसाइट पे, जो उसमें एक पेज नाम का फोल्डर है उसके अंदर एनुअल नाम का फोल्डर है, उसके भीतर एक report.apex नाम का एक फाइल है, वो पूरा का पूरा ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम चलते हैं, खास करके URL also include the domain name, suffix the indicates the type of organizations to which the websites belongs. मतलब URL में जो हमारा डोमेन नेम है वो ये बताता है कि आपकी साइट्स कहाँ से बिलोंग कर रही है या फिर आपकी साइट्स का नेम क्या है, नेम प्लस किस से संबंधित है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन अ डोमेन नेम microsoft.com, यदि microsoft.com है तो डोमेन नेम सफिक्स इज वॉट .com, ये .com, जैसे आपने kpschool.in आ रहा है तो ये सफिक्स नेम बोला जाता है, डोमेन सफिक्स नेम, जिसको हम डॉट के बाद वाला जो नेम होता है उसको हम सफिक्स नेम बोलते हैं, जैसे .in, .edu, .gov government, .mil military, .com commercial, .in info, इस तरीके से .net networking, तमाम तरीके के यहाँ पे हैं, .gov, education, .edu, तो ये तमाम तरीके के डोमेन सफिक्स होते हैं जिसके आधार पे आपका एक डोमेन रजिस्टर्ड होता है. द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल्स पूरी आपको आगे चल के दिखा रहे हैं हम, जिसमें एक एक चीज़ मेंशन है. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वन बाय वन ऑल दीज थिंग्स. आप देखेंगे ये सफिक्स नेम है लाइक .com कॉमर्शियल वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है हमेशा, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़ होता है, .net नेट का मतलब नेटवर्क ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जैसे हमारे ISPs होते हैं. अभी कल ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
जो BSNL, Vodafone, Uninor, MTS, Reliance Jio, इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो .net से ऑर्गेनाइज आइडेंटिफाई की जाती हैं। .org जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसे हम NGOs बोलते हैं, उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं, इससे संबंधित ऐसे बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्हें ORG के नाम से, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी साइट्स होती हैं जो ORG से आइडेंटिफाई की जाती हैं, इसका सफिक्स नेम होता है। इन्फो मतलब इंफॉर्मेटिव इन नेचर, ये एक खास करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उसका इन्फो लग के आता है यहाँ पे। एंड म्यूजियम इंडिकेट द म्यूजियम इंडिविजुअल द म्यूजियम प्रोफेशंस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपके सिलेबस पैरामीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 6 एग्जांपल दिए हुए हैं, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे .mil मिलिट्री, यहाँ पे .gov नहीं दिया, गवर्नमेंट जितनी भी गवर्नमेंट की साइट होती है .gov से आइडेंटिफाई होती हैं। एंड .mil जितनी भी मिलिट्री मीन्स हमारी जितनी सेना की वेबसाइट्स होती है जो .mil से इंडिकेट होती हैं। इस तरीके से तमाम तरीके के सफिक्स होते हैं जो अलग अलग डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्च द इंफॉर्मेशन यूजिंग द व्हाट वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि वर्ल्ड वाइड वेब में हम कैसे इंफॉर्मेशंस को ढूंढते हैं, उसको एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले URL में सर्च इंजन पे जाएंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सर्च इंजन क्या होता है। आप यहाँ पे URL डालेंगे google.com और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने गूगल खुल के आता है। अब गूगल खुल के आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ओके, यहाँ पे जो भी आपको डालना है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th, कंप्यूटर बुक सुमित अरोरा की है। तमाम तरीके के यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, PDFs हैं, आपको कुछ भी ढूंढना है जैसे क्लिक करेंगे योर इन्फॉर्मेशन इज हियर। अब यहाँ पे आपको इमेजेस ढूंढनी है तो इमेजेस यहाँ ढूंढ सकते हैं, आपको इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो रिलेटिवली इमेजेस सारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इमेजेस आ जाएंगी यहाँ पे। अब इसमें संबंधित जो भी आप बुक आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो आप उस पर क्लिक करेंगे और वो आपके उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ की वो इन्फॉर्मेशन है। सपोज दैट यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ अमेज़न की वेबसाइट है क्योंकि ये बुक सेलिंग में है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अमेज़न की एक नई वेबसाइट खुल के आएगी, आप यहाँ देख सकते हैं amazon.com। तो यहाँ पे amazon.in खुल के आ गई, यहाँ पे 495 की बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपना होम एड्रेस फिल कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपके होम एड्रेस पे कुरियर कर दी जाएगी और वो आपको डिलीवर्ड हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं व्हाटएवर। तो कुछ भी आप ढूंढिए इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, बट रिलेटिवली विद योर कॉन्सेप्ट्स, सिलेबस, टॉपिक्स, नॉट इवन अनऑथराइज चीज़ें आपको एक्सेस नहीं करनी है बहुत सारी, क्योंकि ये इंटरनेट है, इस पर ऑथोराइज है, नॉन ऑथोराइज हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल है। तो जिस चीज़ से संबंधित आपकी इन्फॉर्मेशन है वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सेस करनी है, ठीक है। तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग वेल प्रॉपरली। इस तरीके से हम देखते हैं कोई पेज, वेब पेज आप कैसे ओपन करते हैं, किस तरीके से उसको आप देखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। सपोज दैट अपनी एक वेबसाइट है antiro.in, antiro.in, यहाँ पे हमने antiro.in ओपन किया। सो अब इसका URL थोड़ा सा सही नहीं खुल रहा है क्योंकि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है या वेबसाइट में कुछ ना कुछ इशूज़ हैं। तो चलते हैं हम अपने kpschool.in को खोलते हैं। kpschool.in हमारी ये प्रॉपर वेबसाइट एक्सप्लोर हो रही है। सो ही इज़ द वेबसाइट। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ आपको जो भी आपके सिलेबस टॉपिक में है। ये आपकी वेबसाइट है, जो आपका वेबसाइट का URL ये है http://www.kpschool.in, ये हमारा पूरा URL है। और .in है यहाँ पे हमारा जो सफिक्स है, डोमेन नेम सफिक्स है वो UN है। एंड ही इज़ द योर स्कूल नेम एंड हियर योर स्कूल लोगो। ओके, सो नाउ just scroll down, our school, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ आप यहाँ पे मेंशन है
जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे कि एक अलग वेब पेज खुल के आएगा। प्रिंसिपल मैसेज आप देखना चाहते हैं तो प्रिंसिपल के मैसेज आप यहाँ देख सकते हैं, अपने प्रिंसिपल सर के मैसेजेस, ये हमारे प्रिंसिपल सर की जो पिक है वो आ रही है, वापस दोबारा रिट्रीव हो गया। तो चलते हैं, ये प्रिंसिपल सर के हमारे मैसेजेस आ रहे हैं जो भी वो स्कूल के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। और चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो एक अलग पेज पे हम जाएंगे। सो जहाँ पे हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सो हियर इज़ आवर यू नो ग्राउंड प्ले एरिया एंड ऑल दीज थिंग्स, साइंस लैब्स, फ्रंटियर एंड बेसिकली आप लोगों ने एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट, गैलरी में चलते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स सारी जितनी भी ऑलमोस्ट फंक्शंस व्हाटएवर आप लोग यहाँ प्रे कर रहे हैं, आई होप सो, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं, हमारे सारे फैकल्टी स्टाफ्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, पेज बाय पेज आप मूव कर सकते हैं। ये आपकी साइंस की लैब है, ये आपका यू नो फ्रंट फेसिंग ऑफ योर स्कूल, यू कैन सी दैट हियर, ये आपकी साइंस की लैब है। तो इस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट यू नो वेब एक्सेसिबिलिटी इज़ टू मच ईजी, बट आपको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा समझने के लिए एक एक चीज़ें। तो इस तरीके से हमने एक पेज से दूसरे पेज की मूविंग भी देख ली, किस तरीके से मूव करते हैं। बस आपको ये नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके इसको आपको प्रॉपर तरीके से यू नो मेमोराइज करना है। रिस्ट्रिक्टिंग योर सेटअप्स, किस तरीके से आप अपने किसी पर्टिकुलर यू नो पेजेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड इन आवर प्रैक्टिकल पैरामीटर, सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, पेज इंफॉर्मेशंस में सबसे पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, चूज द फाइल प्रॉपर्टीज। पेज इंफॉर्मेशन आपको देखनी है तो कहाँ से देख सकते हैं, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की फाइल प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इन द अपर पोर्शन द पेज इन्फो विंडोज यू कैन सी द लिस्ट ऑफ योर यूआरएल एड्रेसेस, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने ब्राउज करी हैं, जितने भी लिंक ओपन करे हैं, उसको देखने के लिए बताया जा रहा है किस तरीके से आप देख सकते हैं। और पेज सोर्स कोड आपको देखना है तो यहाँ पे HTML कोड देखना है तो वो ईजिली जनरेट हो जाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सोर्सेज, सोर्सेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके उस पर्टिकुलर वेबसाइट की सारी जितने भी HTML कोडिंग होती है वो सब आपके सामने अपीयर हो जाती है। तो खास करके हमारा अभी फ़िलहाल में जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स रेफर टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मेड ओवर द इंटरनेट। आज के डेट में इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, सेल्स परचेज, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बहुत कुछ हो रहा है, यही सब कुछ ई कॉमर्स कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। सच एज बाइंग सेलिंग आइटम्स ऑनलाइन, जो भी आप परचेजिंग करते हैं, आप अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी खरीद रहे हैं ऑनलाइन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, जो भी आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं वो सब कुछ ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग आता है। द ऑनलाइन परचेजिंग रिक्वायर्ड यू प्रोवाइड योर क्रेडिट एंड डेबिट डिटेल्स, यू नो क्रेडिट डिटेल्स, क्योंकि आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप ATM के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कैसे पेमेंट करेंगे, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। टू इंश्योर एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन्स, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो बहुत ही सिक्योर ट्रांजेक्शन्स होती है। इस तरीके से तमाम तरीके के जो भी हैं इन्फॉर्मेशन्स को हम एक्सेस करते हैं, जितने भी ऑनलाइन बाइंग सेलिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, सो ऑल दीज थिंग्स इज़ नोन एज ई कॉमर्स। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप क्या क्या कर सकते हैं, टू परचेज ऑनलाइन टिकट्स, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, म्यूज़ियम में जा सकते हैं, रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, इवन देन यू कैन सेल ऑल्सो योर थिंग्स ऑन द इंटरनेट। तमाम तरीके की जो जैसे OLX, ये तमाम तरीके की जो वेबसाइट्स हैं, Amazon.com, Flipkart, ये सब ई कॉमर्स से संबंधित वेबसाइट्स हैं। एंड टू परचेज ऑनलाइन टिकट, यहाँ पे तो ऑनलाइन टिकट ये आपके सिलेबस पैरामीटर में बार बार बताया जा रहा है,
but maximum you can do your job by using all these this type of, you know, websites like e-commerce websites, including amazon.com, flipkart.com, and rail yatri, और ऑनलाइन आप जितने भी एयरलाइंस टिकट्स बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन रिचार्जेस कर सकते हैं, तो ये जितने भी बाई सेलिंग ट्रांजेक्शन्स, इकोनॉमिकल जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, वो सब कुछ ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत आता है। सो यहाँ पे एक्सेस योर सेल्फ, आपने ध्यान से सारी चीज़ें देखी हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप ईजिली आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल जितने भी यू नो आंसर्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स आपके वीडियोस में भी अवेलेबल है, आपके बुक में भी अवेलेबल है। थोड़ा आप उसको प्रॉपर तरीके से लर्न करेंगे, देन आफ्टर इजली यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस विच इज ऑलरेडी मेंशन इन योर एक्सेस योर सेल्फ एक्टिविटीज। सो हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।